आखिर हंगामा रोज? नहीं, हंगामा नहीं है, विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक आड़ियर रुख अपना लिया। कोई बड़ी बात नहीं है, संभल पे चर्चा कराने से, संभल पे हमारे जो सांसद हैं उनके ऊपर FIR और तमाम लोगों पर जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई पार्टीशन नहीं था, उनकी हाजिरी नहीं थी, उनके ऊपर FIR तो, और तमाम पांच पांच लोगों की हत्याएं हुई हैं, पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है, ये यही सारी बातें के लिए तो हाउस में हम लोग कहते, लेकिन चूंकि सरकार अपने को कहीं न कहीं इसमें घेरा मान रही है, इसलिए चर्चा न कराने कारण अर्जुन। आप सर कह रहे हैं सरकार चर्चा करवानी नहीं चाहती, लेकिन समस्या यहाँ पर एक और भी दिख रही है, इंडिया ब्लॉक में सब एकजुट नहीं दिख रहे हैं, सपा संभल का ये मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस अडानी मुद्दा उठा रही है, दोनों एक TMC कह रहे हैं कि हमें स्टेट का मुद्दा उठाना है, वो तो आज दोनों में ही नहीं, नहीं दोनों एक। देखिए, जनता के मुद्दे पर, लोकहित के मुद्दे पर विपक्ष एक है, विपक्ष में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, और इसीलिए विपक्ष लॉबी में आकर के मांग करता रहा, तो उसमें ये कहना कि विपक्ष एक नहीं है, बिल्कुल एक है, लेकिन सरकार विपक्ष के इस आवाज को, जायज बात को सुनना नहीं चाहती। सर, संभल वाले मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि हम जाएंगे वहां पर, पुलिस प्रशासन ने कहा कि स्थिति वहां गंभीर है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए आप ना जाएं, लेकिन वो कह रहे फिर भी जाएंगे, मतलब आपकी अलायंस पार्टी। हाँ। आप क्या मानते हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, परिस्थितियां अभी बहुत ऐसा है, जाने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल फॉर्म किया था, भेजा भी था, ये हमारे जो विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय पांडे जी, माता प्रसाद पांडे जी, उनके नेतृत्व में 15 लोगों की कमेटी बनी थी, जा रही तो उनको रोक दिया गया, अब वही कांग्रेस को भी। आखिर क्या है, कहीं न कहीं सरकार अपने को मान रही है कि हम कटघरे में हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हमारी जिम्मेदारी का हमने निर्वहन नहीं किया, इसीलिए आखिर ये जाएंगे, जिम्मेदार लोग जाएंगे तो कोई लाठी चलाएंगे, कोई झगड़ा करने जाएंगे, वो तो लोगों के दुख दर्द को देखने आएंगे कि क्या क्या कितनी जाप्ती हुई, कौन कौन लोग मरे, उनके परिवार में जाएंगे, कौन कौन लोग आज इंजर्ड है, आखिर ये प्रतिनिधि मंडल तो जाता, उसका कंस्ट्रक्टिव रोल रहता और उससे उसके सुझाव से सरकार को काम करने में, कानून व्यवस्था कायम करने में और स्थिति को सामान्य करने में काफी मदद मिलती, लेकिन नहीं चाह रहे, इसलिए रोक रहे हैं।